आइए अब बात कर लेते हैं। इन दिनों एक तरफ उत्तराखंड में सियासी पारा चढ़ा हुआ है तो वही दूसरी तरफ बर्फबारी की वजह से कुदरत का पारा गिरता जा रहा है। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं बर्फ की सफेद चादर किस तरीके से बिछने लगी है जगह जगह से आई उन तस्वीरों की जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए ना किस तरीके से उत्तराखंड में समय के साथ साथ ये नजारे और खूबसूरत होते जा रहे हैं। बर्फबारी का लुत्फ उठाते औली में लोगों को देखिए, जोशीमठ की तस्वीरें आपके सामने हैं, चमोली में भी कुदरत का नजारा कितना खूबसूरत हो गया है। ट्रैकर्स के लिए ये जन्नत से कम नहीं है। उत्तरकाशी की बात कीजिए तो वहां भी ये कोई सीनरी सा दिखाई देता है। धारचूला हो, बड़कोट हो, सुंदर है ये तमाम तस्वीरें जो इस वक्त उत्तराखंड से दिखाई देती है। तो देखिए किस तरीके से जोशीमठ में मौसम का मिजाज बदल गया है। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम हो, औली हो, हेमकुंड साहिब हो या फूलों की घाटी, हर तरफ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। इसके साथ ही नंदा देवी, नीलकंठ, कामेट माड़ा और हाथी घोड़ी समेत दर्जनों चोटियां ऐसी हैं जो बर्फ से ढक चुकी है। बद्रीनाथ धाम में तो 3 इंच तक बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है। और क्षेत्र की आप बात करते हैं तो जाहिर तौर पर बर्फबारी की वजह से तापमान काफी नीचे है, ठंडक बढ़ गई है। उधर जोशीमठ की औली में भी बर्फबारी हुई है और सैलानियों को इन वादियों की तरफ वो अट्रैक्ट कर रही है। कैसे देखिए इन तस्वीरों को। सैलानियों को बर्फबारी की जैसे ही खबर मिल रही वो औली का रुख कर रहे हैं और जैसे ही वो पहुंच रहे हैं उन्हें ये खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है, महसूस करने को मिल रहा है और हमें ऐसी तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती है। हाँ, यमुना घाटी में भी मौसम का मिजाज बदला है। यहाँ पर एक तरफ यमुनोत्री धाम में बर्फबारी हुई है तो दूसरी तरफ माँ यमुना के शीतकालीन प्रवास जो खरसाली है वहां पर भी बर्फ गिरी है। चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ है। पेड़ों को देखिए वो भी बर्फ से ढके हुए हैं। तो ये नजारा है बड़कोट का। लेकिन बर्फबारी का दूसरा पहलू ये है कि टिहरी में बर्फबारी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है क्योंकि सड़कें बंद होने को लेकर अलर्ट जारी किया गया, आशंका जताई गई है। जो सेंसिटिव जगह है, संवेदनशील प्लेसेस हैं, उनको चिन्हित किया गया है, देख लिया गया है। कंट्रोल रूम से अब उन पर निगरानी रखी जा रही है क्योंकि अगर बर्फ ज्यादा गिरती है तो यही वो रोड है, यही वो रास्ते जो सबसे पहले ब्लॉक होते हैं बंद होते हैं। तो इसे लेकर प्रशासन मौसम विभाग के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, सतर्क रह रहा है। उधर धारचूला के दरमा और व्यास घाटी के उच्च हिमालय क्षेत्र में भी बर्फबारी हुई है। तापमान काफी गिर चुका है और उच्च हिमालय क्षेत्र की यानी पंचाचुली की, दुक्तू की और नाभी ढांगा, लिपू लेक, इनकी भी आप बात करते हैं यहाँ भी बर्फबारी है। जाहिर तौर पर पारा लुढ़का है, ठंडक बढ़ी है।